आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान की पेस बैटरी के एक अहम रुकन है। 150 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से बॉलिंग कराते हैं। T20 के यंगेस्ट हैट्रिक करने वाले बॉलर हैं। बॉलिंग से ले लेते हैं विकेट्स और अदाओं से चुरा लेते हैं चैन। आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद असलम। कैसा लग रहा है इसका मनाया में आ जाके? बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे क्राउड आया है तो लगता है काफी एंजॉय आएगा। क्राउड की तो आदत होगी आपको? क्राउड की तो आदत होगी। हाँ, ये तो नॉर्मल है हमारे लिए। ये क्राउड नॉर्मल नहीं है। खुलेगा तो आपको पता चलेगा ये कैसा है। एबनॉर्मल है। अच्छा असलम, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले कि हम हंसने वाले सवालों में घुस जाएं, मैं चाहता हूं कि मैं पहले फिलोसॉफिकल सवाल पूछ लूं। पहले जमाने में मैं क्रिकेटर्स देखता था, मुश्ताक मोहम्मद, जावेद मियांदाद, ये उस जमाने के क्रिकेटर्स, इनकी कॉलर ऐसे होते थे सीने के, ये बाल निकल रहे होते थे। आज के क्रिकेटर्स के सीने में बाल क्यों नहीं? पता नहीं, हो सकता है काफी मतलब यंग है और मॉडर्न टाइम आ गया है तो इसलिए अब बाल नहीं आते लड़कों में। बाल नहीं आते? नहीं आते, हटा देते। हटा देते, ठीक है। अच्छा असलम, ऐसा है कि देखो, मुझे ना अक्सर आप जो हमारे यंग फास्ट बॉलर हैं सबसे ही हमें प्यार है, मगर कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है मेरे, मैं जाता हूँ उसमें, खवातीन का नाम देखता हूँ, फौरन लिखा होता है एश एंजल आइस, क्लिक करके खोलता हूँ, उस पर लिखता है प्लीज मेरी बात सुने। मैं जज्बात मेरे उभर आते हैं, मैं कहता हूँ जी बताइए, मैं ही तो हूँ। कहती है एक काम कर सकते हैं, मैंने कहा दो कर सकता हूँ, हसनैन को बुला लें अपने शो में। लड़कियाँ क्यों इस कदर चाहती हैं कि आप शोज में आए, देखना चाहते हैं आपको, और आप उतना ही छुपते हैं? पहला शो है आपका ऐसा हंसना मनाए टाइप, कहाँ छुपे हुए थे आप? नहीं, एक्चुअली सीन ऐसा है ना कि मैं नज़र नहीं आता इतना, टीम के साथ ट्रेवल कर रहा होता हूँ। हाँ। और मतलब जाहिर है कहीं तो फैंस का दिल करता है मिलने के लिए, इसलिए आपके शो में बुलाते हैं। वाह,